What's up guys? आज हम देखेंगे 7 movies you have to watch before you die. ओ भाई साहब interesting list. एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड करी थी. हाँ. तो अब देखते हैं ऐसी कौन सी मूवी है जो हमने नहीं देखी हो. ज्यादातर हम देख चुके हैं. तो आपने अगर कोई नहीं देखी इनमें से तो जरूर बताना और कौन सी एड हो सकती है. 1, 2, 3 गो. 7 ऐसी मूवीज के नाम बताऊंगा जो आपको अपनी जिंदगी में एक बार तो देखना है. अगर नहीं देखा मरने का टाइम आएगा तो बहुत बड़ा रिग्रेट. बच्चे तो आज से निकलेंगे लेकिन काश वो मूवी देख लेता. सबसे पहले उस मूवी का नाम लेता हूँ जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है. एकदम रिसेंटली रिलीज हुई थी तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो के लिस्ट में एड नहीं किया था. लेकिन कॉमेंट्स में लोगों ने भर दिया कि भाई इस मूवी को क्यों नहीं लिया, ये मूवी कहाँ है. तो वो मूवी यहाँ है, महाराजा ऑन नेटफ्लिक्स. यू कैन वॉच इट इन हिंडी डब एज वेल. एकदम फर्राटेदार ऐसे थोड़ी जितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया है और जितना ज्यादा हाइप में ये चल रहा है, इट इज अ मस्ट वॉच. विजय सेतुपति का परफॉर्मेंस, मूवी का प्रीमाइस कि वो एक खोए हुए डस्टबिन कचड़े के डब्बे को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने. उनको लाखों रुपए घूस देने तक की बात कर देता है. मैंने आज तक जितना कमाया जितना बचाया सब ले लो, लेकिन वो डस्टबिन चाहिए. क्यों? ऐसा नहीं कि उसके अंदर उसने कोई खजाना दबा के रखा है पुलिस वालों को लगता है, बल्कि वो लोहे के डब्बे ने उसकी बेटी की जान बचाई थी जब वो छोटी थी. ट्रक घर में घुस गया था, सारा घर नीचे गिरता है. मिस्टर यूज़मी उसको ऐसा कवर कर लेते हैं, बच्ची जिंदा बच जाती है. इतना ही बताऊंगा क्योंकि आगे चल के जब इसके ट्विस्ट टर्न्स रेवलेशन आएंगे तो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड. यूट्यूबर लोग जैसा थंबनेल बना था मैं ही हो गया तो बताना. लेकिन तुमने महाराजा देख ली है, ऐसी पिक्चर चाहिए बिल्कुल एंड में ट्विस्ट मारे तो फटके चार हो जाए. ये प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद ये क्या हुआ. तो एक बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी सजेस्ट करता हूँ जो आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है. क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर इतने ज्यादा फेमस है इंडिया में. उनके करियर की दूसरी मूवी थी सन 2000 में आई थी मेमेंटो. गजनी पता है गजनी उसको कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, 15 मिनट की चीजें याद रख पाता है. पहले इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट दिखाया था. मेन कैरेक्टर एक दिन उठता है और बोलता है कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं, मेरी जिंदगी क्या है. और वहाँ से वो अपनी लाइफ पीछे ट्रेस बैक करता है जो उसने खुद के लिए क्लूज छोड़े थे. बॉडी पे लिखा हुआ है, फोटो पे लिखा हुआ है ये मत करना, ऐसा मत करना, वो मत करना. और वहाँ से जैसे जैसे करके वो पीछे आते जाएगा, बिल्कुल उसकी यादों की तरह मूवी रिवर्स में चलती है. इसने एंडिंग तुमको पहले दिखा दी. पिक्चर अपनी एंडिंग तुमको स्टार्टिंग में दिखा देती है और तुमको ले चलती है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे. सुनने में कंफ्यूजन हो रहा है, देखने में भी होगा. एकदम ध्यान से देखना, जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पे डिपेंड करती है. लेकिन देख ही नहीं सकते, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल तो है लेकिन इंडिया में नहीं. तो अगर कोई स्पॉन्सर होता तो यहाँ पे काफी अच्छा इंटीग्रेट मार देता लेकिन कोई पूछता ही नहीं. सैड लाइफ. लेकिन अब क्योंकि मेरी सैड लाइफ हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी जलो मरो. इतना दुख हो तुमको, इतना रो कि इसीलिए तीसरी मूवी ऐसी सजेस्ट करूंगा जो मैंने देखी थी, मुझे काफी पसंद आई थी लेकिन मैंने आज तक उसको दूसरी बार कभी प्ले करी है और मैं कभी करूंगा भी नहीं. इट इज सो गुड एंड सो हार्ट ब्रेकिंग, सो हार्ट क्रशिंग कि मैं दूसरी बार नहीं देखना चाहता उसको एट एनी कॉस्ट. ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज नाम की एक एनिमेटेड मूवी है. मुंह मत बनाना, तोड़ दूंगा. एनिमेशन का नाम सुन के तुमको एक चढ़ जाती है कि यार बच्चों वाली देखो इसको. इसको देखने के बाद जो तुम्हारा एक परिवर्तित इंसान रूप बदलेगा वो फिर कभी नहीं बोलेगा कि एनिमेशन बच्चों वाला कार्टून है. इंटरेस्टिंगली इसके अंदर हम लोग दो बच्चों की कहानी देखते हैं. वॉर नाम का जो एक एक्सरसाइज किया जाता है इंसानों द्वारा, एक कंट्री दूसरे पे अटैक कर रही है दूसरी पहले पे. इस सब के पीछे रीजंस तो बहुत दिए जाते हैं दोनों की तरफ से कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम विक्टिम है. लेकिन जब यही बॉम्ब्स इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर गिरते हैं, कितने सारे लोगों के घर चले गए, कितने सारे लोगों के फैमिलीज चली गई. वैसे ही मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर्स के पेरेंट्स आर नो मोर, सिर्फ यही दोनों बचे हैं. और ऐसे टाइम में जहां कंट्री के साथ साथ इकोनॉमी भी उधर चुकी है, खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो ये दोनों भाई बहन सर्वाइवल के लिए क्या क्या करते हैं. चार शब्द से ज्यादा एक बार में बोला नहीं यार, मेरे को रोना आ जाएगा. लेकिन इंडिया में किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है. यही चीज और भी आगे आने वाले टाइटल से होगी. तो बी प्रिपेयर्ड विथ योर स्किल्स. जैक स्पैरो वाले टेस्ट करेगा कि अच्छी मूवीज देखने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि ये लिस्ट मस्ट वॉच बिफोर यू डाई वाली है. तो इसके अंदर पॉपुलर मूवीज आना लाजमी है. वैसे ही एक बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी मैं काफी टाइम से रेकमेंड करूँ, फिर से ऐड कर देता हूँ अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे इसका टाइटल कार्ड तो दिखाता है बट इंडिया के अंदर लीगली अवेलेबल नहीं. गॉन गर्ल. तुम एकदम एवरेज मर्द जो चीजों को उतनी सीरियसली लेता नहीं, कह रहे ठीक है ना यार क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं. और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी महिला आती है जो इतनी ज्यादा शातिर. लेट मी वॉर्न यू कि देखने के बाद लग सकता है यार मैं सिंगल ही अच्छा हूँ. Why you ask? मूवी खत्म होगी इसके लास्ट के 5-10 मिनट में ऐसा घुटन वाली फीलिंग देने वाली है कि जो हो रहा है वो
कैसे हो रहा है और सांस कैसे लूं मैं। अगर देख कर ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें एक दूसरे से सिमिलर ही है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट देखने मिलेगा, कुछ क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंट वाला एक्शन, सिनेमाटोग्राफी और वर्ल्ड इतना कि जितना खूबसूरत है सिर्फ उसी में पिक्चर बिक जाती है। टाइटल को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने वाला मैड मैक्स फ्यूरी रोड नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी डब के साथ। आई होप कि एडिटर ने यहाँ पे कुछ अच्छे वाले क्लिप्स लगाए होंगे, वो देख कर अगर तुम इंप्रेस नहीं हो तो सिर्फ एक्शन जितने बवाल लेवल की मारामारी तुमको देखने मिलेंगे ना, बस उसके लिए मरने से पहले देख लेना। गोल्ड स्टैंडर्ड एकदम बेंचमार्क सेट कर देता है कि अगर तुमको एक्शन बनाना है कमाल का तो ऐसा बना। पॉपुलैरिटी इसकी भी कम नहीं है, जो एक्शन जॉनर के लवर्स हैं उन्होंने तो ऑलरेडी देख रखी है, तो तुम पिक्चर को डिस्क्राइब करो उनके लिए जो बालक अभी तक इससे अनजान है, पता नहीं कैसे। जैसे कि मैंने सोचा इस लिस्ट के अंदर सिर्फ हॉलीवुड के एकदम पॉपुलर और इंडियन सिनेमा के कुछ मूवीज डाल दूंगा तो अच्छी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन क्या तुमको कुछ नया देखने मिलेगा? प्रॉबेबली नहीं। तो इसीलिए एक जापान से आई हुई पिक्चर की एंट्री करते हैं, एनिमे प्रिंसेस मोनोनोके। मुंह टेढ़ा करने से पहले सुन लो कि हिंदी डब में देख सकते हो, नेटफ्लिक्स वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बाय द वे। इसको चालू करने के बाद अगर तुमको लग रहा है कि यार थोड़ी पुरानी पिक्चर लग रही है तो ये एक्चुअल में बहुत पुरानी पिक्चर है, मेरे पैदा होने से भी पहले आई थी। लेकिन जिस लेवल और क्वालिटी का एनिमेशन तुमको देखने मिलेगा इट फील्स लाइफ लाइक। लेकिन क्योंकि ये मूवी ऐसे स्टूडियो ने बनाई है जो कि बहुत ज्यादा जानी मानी है रियल लाइफ के अंदर एक काफी सुपर नेचुरल एलिमेंट ऐड करने के लिए, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट तुमको अदर वर्ल्डली फील हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो मैसेज मिलेगा वो एकदम रियल आज के टाइम पे भी बहुत अप्लाई करता है। और एक चीज जो तुमको बहुत डिफरेंट लग सकती है अच्छे तरीके से, प्रिंसेस मोनोनोके के अंदर दो अपोजिट साइड्स तो हैं जो एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए उतावित, लेकिन अगर तुम सोचने जाओगे तो कोई भी गुड बैड का कॉन्सेप्ट नहीं है। बीच में पॉज करके खुद सोचना कि तुम होते तो किसकी साइड लेते। बहुत कमाल की पिक्चर, एकदम पक्का से देखना। आखिरी मूवी जो है इस लिस्ट में, उसका भी वही हाल, प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स, उसका लिस्टिंग तो है लेकिन इंडिया में नॉट अवेलेबल, फिर भी देखने की कोशिश डेफिनेटली करना। जोम्बी जॉनर को लेती है और उसको कॉमेडी में बदल देती है। व्हाट इफ एक्चुअली जोम्बी लोगों का आउटब्रेक हो गया, तुम्हारे बाजू का घर, बाजू की गली, बाजू का मोहल्ला सब तरफ जोम्बीज भर चुके हैं, जैसे ही देखेंगे वैसे काट खाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में तुम मेन कैरेक्टर एकदम चुनती है, जैसे तुम हो, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा मगन कि सामने वाले रोड पे वो लोग चल के आ रहे हो तुमको खाने के लिए, एंड यू आर लाइक कम्प्लीटली अनअवेयर, बस चले जा रहे हो, बाजू से जोम्बी गया तुम चले जा रहे हो। तो इतने बड़े नमूने होने के बाद कैसे बचोगे खुद को और अपने दोस्तों को बचाओगे? बहुत ज्यादा हिलेरियस, बहुत ज्यादा मजेदार शॉन ऑफ द डेड, देखना जरूर। सारी देख लिए इस लिस्ट की तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने नहीं देखी है, और अगली वीडियो में हम लोग कौन सी मूवीज को ऐड करें उसका लिस्ट कमेंट से बताना। सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय। शॉन ऑफ द डेड देखना और वो देखना मेरे हिसाब से महाराज, तुम मेरे को लगता है आधा इंडिया रगड़ चुका है जिसे नेटफ्लिक्स से गॉन गर्ल, भाई साहब तितर बितर हो जाओगे तुम बोले भाई साहब बवाल है, पर नेक्स्ट लेवल होगी। और मैड मैक्स नहीं देखी ना, अगर आप एक्शन के फैन हो तो याद नहीं आया अरशद वारसी ने भी कहा था कि मैं कुछ मैड मैक्स टाइप इमेजिन कर रहा था ये वो। भाई साहब देखो तुम बोलोगे भैया मैड मैक्स, मुझे नहीं लगता यार कोई होगा जिसने नहीं देखी होगी इसके जैसे, नहीं इसके जैसे क्या होता है, नहीं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्होंने अब जैसे कई लोग जैसे यंग जनरेशन भी है या जो जो हॉलीवुड मूवी देखना शुरू करते हैं, जनरेशन अब मतलब मैं क्या, ये तो 41.5 साल में कितने कम करूं, 4 महीने हाँ, नहीं 2 दिन बस, इतनी उम्र है इसकी। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।